पिंपरी चिंचवड के कालेवाड़ी में स्थित द उड्स नाम की संस्था ने ग्रीन पुणे के सपने को अमलीजामा पहनाया है। इस ग्रीन संस्था ने देशी विदेशी जाति के कुल 12,000 पौधे सोसाइटी में लगवाए हैं। सिर्फ यही नहीं, फूलों और पत्तियों से वर्मी पोस्ट भी बनाया गया है। इस संस्था की तरफ से लगाए गए 12,000 पौधों में से 2,000 पौधों का मनपा ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। ये भव्य दिव्य सोसाइटी पिंपरी चिंचवड के कालेवाड़ी की है। इस सोसाइटी का नाम है द उड्स। इस सोसाइटी में 20 बिल्डिंगे हैं, जिसमें 300 फ्लैट और कुछ रो हाउस भी हैं। इस सोसाइटी की खासियत है इसमें लगाए गए देशी विदेशी जाति के पेड़ पौधे। सोसाइटी में कुछ 12,000 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 2,000 पेड़ों का पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने रजिस्ट्रेशन किया है। सोसाइटी के सदस्यों ने मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए यह अनोखा कदम उठाया है। सोसाइटी की खासियत यह भी है कि इन पेड़ों के फूलों और पत्तों और सोसाइटी में जो भी कचरा निकलता है, उससे सोसाइटी के मैदान में वर्मी कंपोस्ट बनाकर इन पेड़ों को खाद के रूप में दिया जाता है। बिगड़ते पर्यावरण को संतुलित करने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक के हैसियत से इस सोसाइटी के नागरिकों ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक सफल कदम उठाया है जो सराहनीय है। अनिल राठौर, सहारा समय, पिंपरी चिंचवड़।